हे गाइस, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया कर रहे होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे एंड कुछ नया कर रहे होंगे, कुछ इनोवेटिव कर रहे होंगे। सो आज का वीडियो आपके लिए कुछ नया आने वाला है एंड कुछ नए टॉपिक पे आने वाला है। सो इसी वीडियो में बने रहना। One hour later. वीरा बोलू नहीं। देख के वापिस आ गए थे कल रात को ही। सो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको सलार मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए एंड आखिर देखनी चाहिए तो ऐसा क्या खास है। बिकॉज सलार मूवी में ऐसा है कि जो प्रभास एंड पृथ्वीराज की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो काफ़ी बढ़िया लगी। अगर हम लोग मूवी की बात करें तो ओवरऑल एक्शन से भरपूर मूवी है एंड ये जो सलार मूवी है उसमें आपको डेफिनेटली KGF मूवी की याद आ जाएगी एंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एक्शन वाली फिल्म पसंद आती है, अगर आपको खून खराबा पसंद आता है या तो फिर मारपीट वाली फिल्म पसंद आती है, सो एक ये एकदम अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड अगर हम लोग बात करें जो सीन आते हैं उसमें, तो उसमें आपको काफ़ी अनरियलिस्टिक एंड नॉन बिलीवेबल एंड अगर आप बोले तो काफ़ी ऐसे सीन आते हैं जहाँ पे आप थोड़े टाइम के लिए बोर भी हो जाओगे, बट ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छा था। एंड स्टोरी की बात करें, कास्ट की बात करें, ओवरऑल जो उन लोगों ने जो बनाया है डायरेक्टर ने, उसमें आपको थोड़े देर के लिए आपको KGF मूवी की याद ज़रूर आ जाएगी। एंड अगर आपको पुष्पा टाइप की मूवी पसंद है या तो फिर KGF पसंद है तो आपको ये मूवी डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो अगर हम लोग मूवी के बारे में बात करें तो मूवी में ये फिल्म 18+ वालों के लिए है। सो ये किड फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप अपनी बच्ची के साथ लेके जाओगे तो कुछ थिएटर वाले अलाउ कर देंगे, बट कुछ थिएटर वाले अलाउ नहीं करते हैं। सो ये डेफिनेटली किड फ्रेंडली मूवी नहीं है। ये फैमिली फ्रेंडली हो सकती है बट नॉट फॉर ओल्डर लेवल पेरेंट्स। ओके, सो आप ये मूवी ज़रूर देखना एंड मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये मूवी कैसी लगी। सो भाई, अभी क्या है कि ईयर एंड ऑलमोस्ट आ ही गया है। आज डेट है अराउंड 29th of December 2023। सो अभी क्या है कि लोग आपका जो भी 2023 का ईयर गया हो उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसकी यादें बनाएंगे। सो अभी कैसा है कि कुछ लोग का अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का नहीं भी अच्छा गया होगा। सो नेक्स्ट ईयर के बारे में प्लान कर रहे होंगे, सो आप इस बारे में ज़रूर देखना। तो अभी क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस पुराने साल को ऐसे ट्रीट करे होंगे कि उनके साथ ये अच्छा नहीं हुआ है, वो अच्छा नहीं हुआ है। सो अभी नेक्स्ट ईयर को वो लोग कुछ इस तरह से ट्रीट करे होंगे कि अगले साल हम लोग ये कर लेंगे, कहीं पे भी अच्छी जगह पे जॉब कर लेंगे या तो फिर उनके जो सपने होते हैं वो पूरे कर देंगे, या तो फिर जो 2023 में जो कमियाँ रह गई होगी सो उसको पूरी कर देंगे एंड पॉजिटिविटी से भर देंगे। सो दैट्स अ गुड थॉट, आपको ये जरूर करना चाहिए। एंड ये जो नया साल आने वाला है
उसके लिए आपको पहले से ही प्री प्लान करके रखो कि आपको ये करना है वो करना है, आपका विश लिस्ट प्रिपेयर कर दो, क्योंकि तो आपका ये नया साल आने वाला नया साल आपका अच्छा तो जाए। क्या है कि थोड़ा माइनस प्लस तो होता ही रहेगा, हमारे हाथ में तो वो है नहीं, बट हमें डेफिनेटली ट्राई करना है कि माइनस कम हो और प्लस ज़्यादा हो। हम इतनी हार्ड मेहनत करें कि 2024 ईयर एंड तक आपका साल अच्छा रहे, आपके पास अच्छी यादें रहे। सो आपका जो भी डिसाइड करो वो एकदम फिक्स होना चाहिए। The next day. सो गाइस, अभी हम लोग निकलने वाले एक जगह के लिए, एंड अभी क्या है कि ऑलमोस्ट पुराना साल ख़त्म होने ही वाला है एंड न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। सो आप मुझे बताना कि 2024 के लिए आप क्या रिजोल्यूशन ले रहे हो एंड उसे अचीव करने के लिए क्या स्टेप्स आप लेने वाले हो। दूसरा ये है कि अभी हम लोग आज जाने वाले हैं एक जगह पे जहाँ पे न्यू ईयर एंड क्रिसमस के रिगार्डिंग डेकोरेशन रहता है, सेलिब्रेशन रहता है। सो आज हम लोग आपको दिखाएंगे कि गांधीनगर और अहमदाबाद में न्यू ईयर सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। और अगर आपको पता होगा, अगर आप गुजरात में रह रहे हो तो आपको पता होगा कि अहमदाबाद गुजरात में कांकरिया कार्निवल करके जगह है, वहाँ पे एवरी ईयर बिटवीन 25 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक काकरिया कार्निवल का प्रोग्राम रहता है। सो उसमें क्या है कि अभी फ्री एंट्री है सभी के लिए। अगर आपके पास टाइम है एंड आपको एंजॉय करना हो नई जगह पे तो आप वहाँ पे जा सकते हो। टाइमिंग रहेगा शाम के 6 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक ये रहता है। एंड आज एक और जगह पे जाने वाले हैं जहाँ पे ये इवेंट होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया ना कि ये जो इवेंट है ये है गांधीनगर का जो पेज है वो लोग हैंडल कर रहे हैं। सो आज मैं आपको एक कॉन्सर्ट दिखाने वाला हूँ और वहाँ पे जो ये जो न्यू ईयर आने वाला है उसके रिलेटेड एक इवेंट है। सो इसी वीडियो में बने रहना, अभी मैं आपको डायरेक्ट लोकेशन पे जाके मिलता हूँ एंड जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। सो जल्दी मिलते हैं एंड इसी वीडियो में बने रहना। सो गाइस, अभी हम लोग फाइनली पहुंच गए लोकेशन पे और ये लोकेशन है सरगासन गांधीनगर में, जहाँ पे आज का ये गांधीनगर का इवेंट है। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सो ये वाला जो मेन रोड है वो आप यहाँ से सरगासन ख रोड जाता है, वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हो एंड जो इवेंट है वो यहाँ पे है और ये प्रमुख ग्रीन पार्टी प्लॉट में। सो फाइनल ये है ये गांधीनगर का इवेंट और ये बॉक्स ऑफिस इन लोगों ने किया है और ये यहाँ से एंट्री वाला गेट है। सो गाइस, ये जो गांधीनगर का फेस्ट वाला इवेंट है उसका कुछ ऐसा कुछ अपडेट है। ये देखिए ऐसे कुछ पासिस हैं और यहाँ से एंट्री होगी। सो गाइस, फाइनली एंट्री हो चुकी है और मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या क्या है। तो देखिए ऐसा कुछ एंट्रेंस है। तो ऐसा कुछ अंदर से लुक है, ये देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा इधर। और वहाँ पे कॉन्सर्ट होने वाला है।
ये अलग अलग गेम्स है, फूड है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सबको बताया कौन आने वाला है आज, राइट? एक बार हल्ला तो मचा दिया जाए भाई। गांधीनगर की पब्लिक और इतनी ठंडी में ठंड हो गई क्या क्या? थोड़ा सा तो Later that same evening. मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस जरूर करना चाहूँगा आपसे, आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा या तो फिर आप रिक्वेस्ट गिन लो। सो क्या है कि अभी मकर संक्रांति का टाइम आने वाला है एंड क्या है कि लोग एडवांस में ही पतंग उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्पेशली ये जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए एप्लीकेबल रहेगा कि जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं या फिर वॉकिंग करते हैं या तो फिर जो भी साइकिलिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए। सो अभी क्या है कि आप अगर कभी भी मॉर्निंग में निकलते हो, अर्ली मॉर्निंग में या तो फिर कभी कोई भी टाइम पे निकलते हो, सो आप अपने टू व्हीलर पे सेफ्टी गार्ड जरूर से इंस्टॉल करवा लीजिए, जो कि बाज़ार में आपको अराउंड ईजिली मिल जाता है रास्ते पर ही। एंड दूसरा ये है कि गले में मफलर लगा के जरूर रखना जब भी आप बाहर निकलो एट द टाइम ऑफ उत्तरायण। सो उत्तरायण में क्या रहता है कि लोग पतंग चगाते हैं, और जो अगर बाई चांस अगर किसी ने चाइनीज डोरी का यूज़ किया होगा तो आपको फालतू में ही आपका गला भी कट सकता है। सो बेटर आप प्रिकॉशन लीजिए एंड ये सेफ्टी गार्ड इंस्टॉल करवा लीजिए। सो यही आपसे बात करनी थी। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए इस वीडियो को अभी हम लोग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड आपके जो फ्रेंड्स वाले हैं, फैमिली है, नेबर्स है, आपके जो कलीग्स है उनको शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ये देखिए ये यंग यूट्यूबर कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ये इन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, अच्छे अच्छे पॉइंट पर बात कर रहे हैं। सो आप इस पॉइंट में डेफिनेटली बात कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस बटन को दबा के बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। एंड जल्दी मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए पॉइंट के साथ। आपके लिए और भी ब्लॉग्स आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून। एंड उसके लिए आपको जो आपको बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑन करके रखना है, तो आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिलेगी। सो तब तक के लिए बाय।